यहाँ से भाई गंगा माँ को नमन करके हम निकल रहे हैं अपनी राइड वापस कंटिन्यू। और भाई ये देख लो, एक और बार लास्ट बार दर्शन कर लो भले ही वीडियो में। अब चलो चलते हैं यहाँ से। और भाई ये अभी बता दूँ, अपने घर से 290 किलोमीटर कंप्लीट हो गया अभी अपना। 290 कंप्लीट होने के बाद अभी बद्रीनाथ रह जाता है अपना 210 करीब रह जाता है अभी, शायद 216 भाई, जिसकी दिखा रहा है 6 बजे का ड्रॉप दिखा रहा है अभी। तो चल रहे हैं बाकी तो। और अभी यार अभी बज गए 12, तो अभी लंच का देखो ऐसा तो सीन नहीं लग रहा अभी फिलहाल। तो वाइजर बंद कर लिया मैंने, अभी भूख इतनी लग नहीं थी क्योंकि जहाँ पे लगेगा अब वहीं हम खा लेंगे। पेट्रोल का ये सीन है अभी, देखो इतना है अभी लाल पे आया है। अभी ये मान लो 100-120 किलोमीटर चल जाएगी, पर मैं अभी क्या 50-60 किलोमीटर चलने के बाद फिर डलवाऊंगा, अभी नहीं डलवाऊंगा, ये सीन है भाई। बाकी राइड अपनी मस्त चल ही रही है। और भाई सब्सक्राइब कर दो यार, तो ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो व्लॉग देख लो भाई, इसलिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस इतना सा करना है यार। और हाँ भाई कमेंट जरूर कर दूंगा, बस बस चार चीजें तो बोल दी मैंने, उसमें भी बस कोई बात नहीं। ये देख रहे हो हमें अपनी बाइक यार वहां लेके जानी है, वो सामने, ये देखो इधर से जाके वो ऊपर। तो भाई ये जो अभी जगह है ये है श्रीनगर। श्रीनगर वो हिमाचल वाला नहीं, उत्तराखंड वाला, केदारनाथ मार्ग में पड़ता है ये। और एक बात बता दूं, ये जो श्रीनगर है ना, मतलब यहाँ पे एक मार्केट सा है। अदर जो रास्ते छोटे छोटे पड़ते हैं ना विलेजेस, वो छोटे छोटे होते हैं। श्रीनगर मतलब एक बड़ा विलेज है बोल सकते हैं, बड़ा टाउन सा बोल सकते हैं उत्तराखंड का। तो जो रास्ते में पड़ता है एक श्रीनगर, एक मतलब वो है बड़ी जगह है, बड़े एरिया में थोड़ा फैला हुआ है और सब जगह मिल जाते हैं। कुछ भी सामान चाहिए आपको, मैकेनिक वगैरह। और ये देखो नई हीरो का होंडा का शोरूम है यहाँ पे नया, ये TVS का शोरूम है। तो मतलब जो अदर छोटे छोटे विलेजेस पड़ते हैं तो श्रीनगर थोड़ा बड़ा है, जो चीज़ आपको अदर जगह नहीं मिलेगी वो यहाँ मिल जाएगी, मैकेनिक से लेकर के खाने पीने की दुकान तक सब श्रीनगर। अब यार हमें भी भूख लगने लग गई है हल्की हल्की, तो अब थोड़ा सा चल के और फिर अब हम यार लंच करेंगे। सुबह से ये मान लो मैंने यार, मैं ही चला रहा हूँ बाइक, नितिन भाई तो बैठे हैं, हालांकि उनका चला लेता है वो बाइक, पर तुम्हारे भाई को ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है, इसलिए भाई अपन ने तो नहीं छोड़ी, अपन तो चला रहे हैं सूतम सूत। और ये मान लो 322 किलोमीटर से चला ली मैंने सुबह से बाइक, 322 घर से लेके यहाँ तक। और अभी 322 हो गया, हाँ कम से कम 180 करीब और होगा अभी, नेट 500 था मेरे घर से तो 180 करीब अभी और होगा। तो देखो अभी चल रहे हैं भाई, बढ़िया चल रही है यार राइड अपनी, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से, महाकाल का आशीर्वाद है, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। यहाँ आपको पता है एक अभी वो आएगा धारी देवी टेम्पल, जो मतलब रिवर के बीच में है बिल्कुल। ऐसा यार लोगों का मानना है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका मानना है कि इस बीच में जब यूके की गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने वो टेम्पल को शिफ्ट करना चाहा था, मतलब यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करना चाहा था, तो उसी वजह से जो उत्तराखंड की आपदा आई थी ना केदारनाथ मार्ग, केदारनाथ में 2017 में नहीं 12 में, वो इसी वजह से आई थी। मैं पेट्रोल डलवाना है, यार एक तो ये मुझे पेट्रोल पंप वालों का समझ में नहीं आता, मैंने उसको बोला यार कि फुल कर दे, अब वो ने बोला कि यार 6 लीटर पे मैंने रोक दिया। यार क्या होता है क्या पता, एक दिन ऐसी मैं लास्ट टाइम भी दिल्ली में, यहाँ तो पता नहीं, दिल्ली में मैंने उसको बोला फुल कर दे, बोला यार भाई 100 का, मैंने सुना 100 का है, ये बहुत गेम बजाने के चक्कर में रहते हैं यार, टोपी पहनाने के चक्कर में मतलब।
छोड़ो बाकी जो है सो ठीक है यार, बाकी नहीं करना चाहिए यार इनको ऐसा। अब उसके बने 576 रुपये, उसने 580 काट लिए, तो 5-4 रुपये की नहीं है बात, सही गलत किया है, छोड़ो बाकी। ये देख सकते हो यार, ये है धारी देवी टेम्पल का मार्केट, इसको कलियाड़ पता नहीं क्या बोलते, कलियोड़ बोलते शायद जगह का जो नाम है, प्रॉपर पता नहीं, यहीं से है ये धारी देवी टेम्पल का रास्ता नीचे की तरफ था। ये सारा इलाका पौड़ी गढ़वाल में आता है, इसको वैसे पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं। तो यार ये जो अभी जगह है ना, ये रुद्रप्रयाग से पहले अप्रोक्स, ये मान लो 5-7 किलोमीटर पहले होगा बस रुद्रप्रयाग से। जो यहाँ पे यार लंच करा, अभी बहुत भूख लग रही थी, 2:15 बज गए हैं, 2 ही मान लो, अब 2 बज गए, 1:55 हो गया, हाँ 1:55 हो गया, 2 बज गए मान लो। अब भाई यहाँ से जो डिस्टेंस बचता है बद्रीनाथ का, वो बचा है 160 किलोमीटर 160, और घर से हमने अप्रोक्स अभी 350 करीब कर लिया, क्योंकि यार यहाँ पे इधर ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले तो सीधे सीधे रास्ता था, हाईवे हाईवे था, तो खेचम खेच लिया है। अब इसके बाद क्या, यहाँ पे जब पहाड़ पहाड़ वाला इलाका होता ना, तो यार गाड़ी हिसाब से चलानी पड़ती है, और मैं ही चला रहा हूँ, नितिन भाई को तो ये ऐसा ही है, थोड़ा आता नहीं है गाड़ी, मतलब चला तो लेता, पहाड़ वहाड़ पर थोड़ा इतना हाथ साफ नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते, तो ये बात है। इधर अभी खाना पीना खा के आ चुके हैं, ये रहा अपना हेलमेट बस, और ये बाइक वाइक पे आ गए सब, फोन वोन ले लिया सारा। और भाई ये देखो ये सारे नज़ारे हैं इधर के, इस रास्ते से हम अभी आए हैं पीछे से, और हमें जाना है इधर की तरफ। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको अपनी बाइक पर। भाई यहाँ खाया हमने अभी खाना, भाई ठीक था खाना, खाने में लिया था भाई हमने, इनके यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं वैसे, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, चावल ही चावल, ये तो थाली लो। और यार थाली का मेरे को सिस्टम है ना थोड़ा कम समझ आता है, मैं थाली नहीं खाता, मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं है, थाली के नाम से नफरत है, क्यों झूठ बोलूं। तो थाली वाली तो हमने खाई नहीं, हमने लिए थे राजमा चावल, छोले चावल, नहीं राजमा चावल और दाल चावल, और रोटी ली थी 2-3 अलग से मतलब, बस वो खा के अब निकल गए हैं भाई। 160 किलोमीटर दिखा रहा है, और भाई चलना है फटाफट, क्योंकि यार यहाँ पे हो जाता 5 बजे अंधेरा, और अभी बज गए 2, अभी गूगल मैप भी बोल रहा तुम्हें 5 घंटे लगेंगे पहुँचने में, ये बात है, इसलिए भाई फटाफट भगते चलो बस, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। मैंने वैसे एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि इतना लगेगा मुझे, नहीं यार बाकी थका तो नहीं हूँ मैं, गाड़ी वाड़ी चलाने में मैं थकता नहीं हूँ, क्यों इतनी गाड़ी मेरे से कितनी भी चलवा लो, 4-व्हीलर हो 2-व्हीलर हो चला लेता हूँ। और भाई यहाँ पे पता है क्या सीन है, अब जैसे देखो ये छांव हो रही है ना, छांव में हम चल रहे हैं, यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है, हवा लग रही है, जैसे ऐसा लग रहा है हवा चल रही है, और जैसे ही हम धूप में जाएंगे ना यार पता नहीं गर्मी सी लगने लगेगी, इसलिए मैं अभी खाना खा के बाहर बैठा था होटल के, जहाँ पे हमने अभी खाना खाया बाहर बैठा था, वहाँ पे धूप में अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडा माहौल है ना, और उन्होंने बताया यार होटल वाले ने कि अभी तो 5 घंटे तुम्हें पहुँचने में लगेंगे, मैंने बोला यार इसी स्पीड से जाना पड़ेगा क्या, कह रहे हाँ तुम तो अभी कह रहे रुकते हुए जाओगे, मैंने बोला हाँ यार रुकना तो पड़ेगा, 160 किलोमीटर कंटिन्यू पहाड़ में नहीं चला सकते। भाई ये है देखो वो डायवर्जन जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग कटता है, ये देखो ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है ना, भाई ये जा रहा है देखो केदारनाथ के लिए, केदारनाथ गुप्त काशी गौरीकुंड, और ये जा रहा है अपना बद्रीनाथ के लिए। और चोपता को जाना है आपको तो आप इधर से भी जा सकते हो वैसे, और इधर से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो वैसे, छोटा रास्ता सामने से आके बिल्कुल सीधा। तो ये डायवर्जन है रुद्रप्रयाग से पहले,
और ये जाएंगे अभी तो ये ऊपर जो आप सिटी देख रहे हो ये है रुद्रप्रयाग। ओके, ये है भाई, यहाँ से केदारनाथ रह जाता है 80 किलोमीटर, और यहाँ से अभी वो है बद्रीनाथ है भाई 160 किलोमीटर, मतलब यहाँ से डबल है, इसलिए केदारनाथ बद्रीनाथ का रास्ता लंबा है। तो यार ये जो अभी आप देख रहे हो ना ये बस स्टैंड है रुद्रप्रयाग का। यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाती है उखीमठ के लिए, सोनप्रयाग के लिए, कहीं के लिए भी मिल जाती है। ये अमित होटल में हमने लास्ट टाइम खाना खाया था जब हम चोपता गए थे, अभी भी याद है मुझे। ये रुद्रप्रयाग का बस स्टैंड है, बस स्टैंड बोलते हैं, टैक्सी स्टैंड कुछ भी बोल सकते हैं। और भाई बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर, ये देख सकते हो हर चीज़ की, श्रीनगर जैसा ही। इनफैक्ट श्रीनगर मुझसे मुझे छोटा लग रहा था। ये देख रहे हो भाई रास्ते कैसे हैं, राइट हैंड साइड पे पूरे चट्टान सी बनी हुई है, मतलब वो पहाड़ काट के रास्ता बनाया है। अच्छा है भाई, यहाँ इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि चोपता और केदारनाथ ही किया है मैंने, तो इस रूट पे मैं पहली बार आया हूँ। रुद्रप्रयाग से जो रूट अलग कट गया, तो इस रास्ते पे मैं पहली बार आया हूँ। तो भाई ये देखो कम से कम 1 किलोमीटर लंबा जाम है, 1 किलोमीटर तो हो गया मेरे को चलते चलते इसके साइड साइड से। ओ भाई कहाँ तक दिख रहा है ये भाई, इधर तो रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड सब घुस गए, हमें इतना वो नहीं है, खैर हम अपना निकल जाएंगे, बाइक का यही फायदा है यार बस। बहुत जाम भाई बहुत। और धीरे 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 एक एक गाड़ी जरा जरा सी सरक रही है, कुछ हुआ है शायद, नहीं नहीं खराब रास्ता है इधर, या फिर वो होगा सिंगल वे जो एक तरफ से गाड़ी छोड़ते हैं, मे बी। वही है, ये देख सकते हो इधर का कुछ ऐसा सीन है भाई कि ये इधर से एक गाड़ी चल रही है, बाकी फिर आगे से दूसरी छोड़ेंगे, मतलब जब इधर से थोड़ी रोक के फिर थोड़ी उधर से छोड़ेंगे, ये सिस्टम हो रहा है। देखो भाई भाई, ये जो है ना बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से है ना उसके ऊपर से रास्ता बनाया लैंडस्लाइड को, मतलब मिट्टी थोड़ी वैसे करके तो उसके ऊपर से ही रास्ता बना। ओ भाई ट्रैफिक अगर उतना उधर इतना है ना तो इतना भी इधर ही हो, इतना इधर भी होगा अच्छा खासा, मतलब तो हो शिट भाई यार इतनी धूल। भाई यार देख लो ऐसे हैं कुछ रास्ते, ये साइड में देख रहे हो इतनी बड़ी चट्टान और पहाड़ सा, इधर लेफ्ट में नीचे है रिवर, अब ये मेरे ख्याल से मंदाकिनी नदी है, नहीं, ये कोई सी नदी है बस है वो बता दूंगा जो भी है, ये मेरे ख्याल से बद्रीनाथ से ही आ रही है। और भाई यहाँ पे तो अंधेरा 5 बजे हो जाता है, वो तो खैर चलो अपने पास फॉग लाइट है, बाकी यार मैं तो सोच रहा था कि ये ना अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, पर पॉसिबल लग नहीं रहा मुझे, फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं चला ही रहा हूँ यार। ये देखो बद्रीनाथ 126 किलोमीटर दिखा रहा है, हेमकुंड साहिब 121 किलोमीटर, और वैली ऑफ फ्लावर्स 122।
भाई अल्मोड़ा के लिए भी इधर से रास्ता जाता है, बद्रीनाथ हेमकुंड ये लेफ्ट में, और बाकी ये ऊपर, हमें इधर जाना है नीचे। सुबह 4 से शाम के 4 बज चुके हैं, 12 घंटे हो गए हमें अप्रोक्स बाइक पे, और अब अभी भी यहाँ से ये मान लो 80-85 किलोमीटर बाकी है। वही शाम को मैंने बताया लगभग लगभग 7 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते। तो ये पता नहीं कौन सी जगह है भाई, ये चमोली जगह करके है कोई, यहाँ से 85-90 किलोमीटर है गया बद्रीनाथ। और बस यहाँ पे चाय वाय पीने रुके हैं, अब चाय पी ली भाई, अब यहाँ से निकलते हो भाई, बाकी और कुछ भी नहीं। तीन घंटे 91 किलोमीटर। तो भाई ये करके कोई रेस्टोरेंट था, रिवर व्यू रेस्टोरेंट, अच्छी थी चाय, चाय पी भाई, भाई और कुछ भी नहीं खा। क्या करना है यार, ये लॉन्ग राइड्स पर जो होती है ना भाई, चाय बहुत साथ देती है, थकान मिटा देती है बोल सकते हैं, बस वही है। तो चल दिया मंजिल की ओर अपनी भाई, 91 किलोमीटर 3 घंटे, 7:30 का टाइम पहुंचने का। यार ये पता है मेरी अब तक की सबसे लॉन्ग राइड थी है आज की, अब तक की मतलब, नहीं तो मैं चोपता गया वो 400 किलोमीटर था, केदारनाथ गए थे हम वो भी 400 किलोमीटर था, और इस बार यार मैं अकेला चला के लाया हूँ दिल्ली से यहाँ तक, 1% बाइक किसी नितिन भाई ने नहीं चलाई, मैं ही चला के ला रहा हूँ पूरे रास्ते, अब पूरे रास्ते मैं ही चलाऊंगा। ये भाई लड़ाई हो गई इधर यार, वन वे था टू वे से घुसेड़ दी, 15 मिनट खराब हो गए यार, 15-20 मिनट जाम के चक्कर में। बहुत भयंकर जाम लगा हुआ भाई, ये सब लैंडस्लाइड का जाम है, लैंडस्लाइड हो गई जिसके चक्कर में पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, उसके बाद एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, अब कहीं से भी मान लो 2000 गाड़ी घुसा दी तो जाम। अब इधर ये गाड़ी रोक रखी है, उधर से थोड़ा क्लियर करेंगे फिर ये निकालेंगे, ये बात है। ये भाई देखो मजे ले रहा है भाई, दिल्ली से आया स्प्लेंडर पे 3-3 बैठ के, मैं शॉक हो गया यार एकदम से। ये भाई यहाँ एक टनल, टनल वाओ टनल, अब यार ओ भाई साहब रास्ते देखो यार, ये देख रहे हो गाड़ियां कैसे चल रही है, चट्टाने कैसे दिख रही है, और भाई अपने को वहां जाना है नीचे, अब ढलान ढलान है शायद में भी भाई, रास्ते तो बहुत खतरनाक है यार बद्रीनाथ के, केदारनाथ के रास्ते ही यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लग रहे भाई। ये देख लो टाइम 5:42, गप अंधेरा हो गया बिल्कुल, तो फॉग लाइट जल रही है अपनी इसलिए थोड़ा विजिबिलिटी है, नहीं तो रोड पे सिंगल रोड पे लाइट नहीं होती, उसको आपका अंदाजे से ही चलाना पड़ता है अपनी गाड़ी की हेडलाइट से ही, और इसकी लाइट इतनी है नहीं। तो यार मैं ब्लॉक करूंगा नहीं, अब मैं मिलूंगा आपको सीधा होटल पे, क्योंकि 50 किलोमीटर बचा है और मेरे को ऐसे रास्ते पर चलाना है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, अब आपको मैं मिलूंगा सीधा होटल पे। तो भाई
अभी 8:30 बज चुके हैं और अभी हमने रूम में चेक इन करा है भाई। जो मतलब ये मान लो उसके बाद की जो आपने लास्ट वीडियो देखी भाई, अंधेरा होने के बाद जो रास्ता मिला है ना भाई, 50 किलोमीटर कवर करने के लिए मेरे को 3 घंटे लग गए भाई। इतना ख़राब रास्ता, इतना ख़राब रास्ता, क्या बताऊँ। मतलब मेरा एक ये वाली राइड का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा था इस बार का। और मैंने गलती ये करी कि ना, मैंने ये सोचा कि सीधा बद्रीनाथ में रूम ले लेंगे। अगर हो सकता था मैं वहाँ पर भी रूम ले सकता था, ये जोशीमठ के आसपास। पर मैंने सोचा कि यार हो सकता है रोड अच्छा होगा, पर रोड अच्छा ही नहीं था भाई। ख़राब रास्ता, ना ही रोड रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था, सिंगल रोड था पूरा पहाड़ वालों पे। कहाँ होता ये चीज़ मेरे को ध्यान नहीं थी। रूम ले लिया अभी और रूम मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो ये भाई, इस टाइप का कुछ रूम रहने वाला हमारा। ये नितिन भाई है, ये चार्जिंग वार्जिंग का पोर्ट है, या 2 बेड है, और इधर ये वॉशरूम है, और ये मिरर है बस। ये है भाई, ये पड़ा है हमें भाई 1300 रुपये का। तो ये रूम उन्होंने उसने हमें 1300 रुपये का दिया भाई। बोल तो 2000 रहा था बाकी बार्गेनिंग करके भाई। रूम भी वही है, सीज़न है, जैसे क्राउड रहता है उस हिसाब से प्राइजेस रहते हैं। तो भाई हो गया, अपने सामान वामान लग दिया चार्जिंग वगैरह करके। अब जा रहे हैं हम यहाँ से खाना खाने। खाना खाने के बाद सो जाएंगे, फिर अगले दिन करेंगे दर्शन। तो ये वाली वीडियो में, इसमें भी इसका ये एक एपिसोड बनेगा। तो इस वाले एपिसोड में यही था कि दिल्ली से बद्रीनाथ तक की राइड 500 किलोमीटर की। और हाँ भाई, एक चीज़ और, अपनी बाइक ने आज 510 किलोमीटर कवर करे पूरे। तो भाई भाई मैंने चलाई अकेले, तो जो भी है अब। और इसलिए मेरे भाई ये ना, जो क्या बोलते हैं, अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट राइड थी, मैंने अकेले करी, जो कि आज पिलियन के साथ में। यार एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब ये सब चीज़ है। तो मिलते हैं आपको कल सुबह, फिर खाना खाने के, मतलब अभी खाना खाने के बाद, सोने के बाद मिलते हैं आपसे कल सुबह।